हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आसान एनालिटिकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है और इसका यूज हम कहां पे करते हैं, और हम दोस्तों बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बारे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और दोस्तों, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन में कंपेयर कराएंगे, देखेंगे कौन अच्छा है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं तारिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, ट्रांसमिशन सिस्टम वो होता है जो जनरेटेड वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। क्या करता है? ये जनरेटेड वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है ट्रांसमिशन सिस्टम। और दोस्तों, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, ये हमारे वोल्टेज को 11 केवी से 132 केवी तक ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 11 केवी से 132 केवी तक स्टेप अप कर सकता है, उसके रेंज को बढ़ा सकता है, स्टेप अप कर सकता है। और दोस्तों, क्या कर सकता है ट्रांसमिशन सिस्टम? ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को घटा सकता है और बढ़ा भी सकता है। ट्रांसमिशन सिस्टम वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन है प्राइमरी ट्रांसमिशन। नंबर वन क्या है? प्राइमरी ट्रांसमिशन। और नंबर सेकेंड है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दोस्तों, हम जानेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्राइमरी ट्रांसमिशन जो है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को थ्री फेज, थ्री वायर और ओवरहेड सिस्टम से ट्रांसमिट करता है। थ्री फेज, थ्री वायर और ओवरहेड सिस्टम से ट्रांसमिट करता है। जैसा कि हमारे घरों में बेसिकली इलेक्ट्रिक आता है, ओवरहेड से आता है, जो पोल्स लगे रहते हैं, टावर्स लगे रहते हैं, उनके माध्यम से आता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये शहर के कैच साइड इलाकों में ज़्यादातर होता है। जैसा कि आपको देखने को मिलता हो। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। ये 33 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिट करता है। हमारा जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ये 33 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिट करता है। इसमें भी थ्री फेज, थ्री वायर, ओवरहेड सिस्टम द्वारा शहर के निश्चित किए गए इलाकों में पावर को ट्रांसमिट करने का ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, शहर के निश्चित किए गए क्षेत्रों में कार्य करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ये भी दो प्रकार के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे। एक इसमें होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, ये क्या होते हैं, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ हमें 33 केवी से 11 केवी वोल्टेज की थ्री फेज, थ्री वायर की जरूरत रहती है, तो वहाँ सब स्टेशन से सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट किया जाता है। तथा ये कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से 50 केवी से 11 केवी तक रोड के एक साइड से होते हुए शहर में पहुंचती है। ये कंज्यूमर के हिसाब से उसके डिमांड के मुताबिक 50 केवी से 11 केवी लाइन रोड के एक साइड से होते हुए पहुंचती है। और दोस्तों, जैसा कि ज़्यादातर हम लोग 11 केवी लाइन का यूज करते हैं, अब दोस्तों, हम जानेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी लाइन 11 केवी को लाकर उसको स्टेप डाउन करते हैं। फिर सब स्टेशन के नजदीक जो कंज्यूमर होते हैं, उनको लोकेट करके उनके पास ये बिजली को ट्रांसमिट करते हैं, जो 400 वोल्ट थ्री फेज, थ्री वायर के रूप में कंज्यूमर के घर तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कंज्यूमर के पास पहुंचती है। और दोस्तों, इसे ही हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं।
इसमें वोल्टेज जो होता है 11 के से स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट करके या जितनी की जरूरत होती है उतना करके कंज्यूमर के पास हम लोग पहुंचाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो हमें कमेंट करें और वीडियो अच्छा हो तो हम दे दें और हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम देखेंगे कंपेयर एसी एंड डीसी सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पावर हम लोग दो तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लाभ और हानियां हैं, लेकिन इसमें क्या है कुछ एडवांटेज भी है कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम इनके टेक्निकल जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एसी सिस्टम के बारे में। एसी सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये पावर को हाई वोल्टेज पर जनरेट करता है। एसी सिस्टम पावर को हाई वोल्टेज पर जनरेट करता है। और दोस्तों इसमें नंबर सेकेंड है, एसी सिस्टम को मेंटेन करना आसान है और सस्ता है। एसी सिस्टम को क्या करना, मेंटेन करना आसान है और सस्ता है। एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना आसान है। ठीक है दोस्तों, एसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करना आसान है। एसी वायर ज्यादातर कॉपर के होते हैं। और दूसरे इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटेंस की उपस्थिति में पावर को लॉस करता है। कैपेसिटेंस की उपस्थिति में पावर को लॉस करता है। और दोस्तों एक प्रॉब्लम इसमें है, इससे स्किन इफेक्ट हो सकता है। इसके वजह से स्किन इफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं डीसी सिस्टम के बारे में। डीसी सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आइए दोस्तों हम देखते हैं। नंबर वन है, डीसी सिस्टम जो है ये पावर को हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर सकता। डीसी सिस्टम पावर को हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर सकता। और दोस्तों डीसी जो सब स्टेशन होता है उसको मेंटेन करना ना ही आसान है और ना ही सस्ता है, कॉस्ट इसमें ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसमें नंबर थर्ड। और दोस्तों आपको जैसे मालूम है डीसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की सहायता से हम ना स्टेप अप कर सकते हैं और ना स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके वोल्टेज को हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। लेकिन दोस्तों एसी जो सिस्टम होता है उसमें हम इसके वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। दोस्तों डीसी सिस्टम में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं होते। आपको मालूम होगा जैसे डीसी जो सिस्टम होता है इसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं होते। दोस्तों इसका वोल्टेज जो होता है डीसी सिस्टम का एक रेगुलर रेगुलेशन में होता है। जैसे आपको मालूम है एसी सिस्टम ऐसे ऐसे जाता है और डीसी ऐसे चला जाता है, इसका वोल्टेज क्या होता है रेगुलर रेगुलेशन में होता है। ठीक है दोस्तों, डीसी सिस्टम का एक एडवांटेज ये है कि इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। एसी सिस्टम से स्किन इफेक्ट हो सकता है और डीसी सिस्टम से स्किन इफेक्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, इंजीनियरिंग से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनें। थैंक यू सो मच।